हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। ये जो है हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो है वह क्या करिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा, ठीक है। तो हम जो है वो LHS पार्ट को ये दिया हुआ है, इनको हम पहले लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बट्टा, ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा प्लस, ये दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बुआ, ये हम जानते हैं एगो फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है बुआ। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर, अर्थात ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बुआ। और बटे जो है वो हमारा है साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा और ये प्लस ये हमारा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है बुआ। ये इतना है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये हमारा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए वो यही प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर दिए। तो बराबर लिख देंगे RHS और लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।